सीतापुर की बिसवा कोतवाली इलाके में एक बार फिर जंगली जानवरों की दहशत फैल गई है। बिसवा कोतवाली इलाके के एक गांव में जंगली जानवर की आमद से ग्रामीण सहम गए हैं और वन विभाग को इसकी जानकारी मिली तो मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची और देर रात कॉम्बिंग की। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के बिसवा देहात संवाददाता अतुल त्रिवेदी चंदन के पास। तो अतुल जी बताइए कि ये बिसवा कोतवाली इलाके के किस गांव का मामला है, जंगली जानवर वो कौन था, ग्रामीणों ने क्या कुछ जानकारी दी, कौन सा वो जंगली जानवर, और मौके पर जब वन विभाग की टीम पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। जी कैसे आपको बता दें कि बिसवा कोतवाली इलाके के जो गांव है ना भेड़िया की आमद से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों की माने तो भेड़िया वह बकरियों को निवाला बना चुका है। ग्रामीण को दहशत व्याप्त है, वहीं बाहर निकल नहीं रहे ग्रामीण। मामले की सूचना वन विभाग को दी गई, वन विभाग की टीम लगातार वहां पर कैंपिंग कर रही है, संपर्क कर सुरक्षा का भरोसा दिला रही है और अकेले में ना निकलने की सलाह भी दे रही है। कोतवाली बिसवा इलाके के भीरा गांव का ये पूरा मामला है। गांव के मनोज कुमार बताते हैं कि गांव की मंगलवार रात बेनी माधव की जो दो बकरियां थी उनको उठा ले गया था कोई जंगली जानवर, जिसकी सूचना गांव के लोगों ने वन विभाग व पुलिस को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम लगातार कैंपिंग कर रही है और वहीं पर जो पुलिस है और वन विभाग की टीम है उन ग्रामीणों को सजग रहने के लिए भी कह रही है लगातार। और अगर प्रियांशु जी आपको हम बताएं तो बिसवा क्षेत्र के हुलातपुरवा व अली बख्तपुरवा में भी इससे पूर्व माह में जंगली जानवर देखा गया था, जिससे यहाँ के जो क्षेत्र के गांव है वो सब दहशत में है। लेकिन वन विभाग ने भी बताया था कि लगातार कैंपिंग की जा रही है और वहीं जब इस मामले पर भी आई इंडिया ने बात की तो वन विभाग के जो बिसवा रेंजर है उनका कहना है कि भीरा गांव में भेड़िया जो बताया गया था ग्रामीणों के द्वारा उसके बाद वहां पर हमारी टीम पहुंची है, लगातार कैंपिंग की गई लेकिन वहां पर अभी किसी भी जानवर के पग चिन्ह नहीं मिले हैं। वहां ग्रामीणों को सजग किया गया है कि कोई लोग बाहर ना निकले, जब भी निकले तो एक दो लोगों के ग्रुप में निकले और अगर कोई भी जानवर देखा जाता है तत्काल सूचना दे और बाकी हमारी टीम जो वन विभाग की टीम है वो लगातार गांव में कैंपिंग कर रही है, ऐसा कहना जो कि वन रेंजर है कमाल अहमद सिद्दीकी उनका है। लेकिन ग्रामीणों में अभी तक भय व्याप्त है क्योंकि जो बिसवा क्षेत्र के गांव उलासपुरवा भी आपको बताया कि उलासपुरवा और कई गांव थे जहां पर देखा गया था, जबकि उसके बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है, लगातार जंगली जानवर देखे थे ग्रामीण दहशत में, क्षेत्रवासी दहशत में। लेकिन वन विभाग का भी दावा कि लगातार हम क्षेत्र में कैंपिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसके पग चिन्ह मिले हों जिसे बताया जा सके कि यह जानवर है। अभी लगातार टीम कैंपिंग करती रहेगी, अगर किसी भी ग्रामीण का किसी को कहीं पर भी कोई जानवर देखा जाता है तो वन विभाग को तत्काल सूचित कर वन विभाग वहां मौके पर पहुंचकर और तत्काल कार्रवाई शुरू कर देता है, ऐसा कहना वन विभाग का है। जी अतुल एक जानकारी और चाहेंगे, ग्रामीणों का कहना है कि ये जो जंगली जानवर है वो भेड़िया है और वो दो बकरियों को उठा ले गया देर रात मंगलवार की देर रात। कितने भेड़ियों की बात बताई है ग्रामीणों ने आपसे, आप मौके पर भी गए थे? जी हाँ, अगर ग्रामीणों की माने तो वही जो मनोज है इनका कहना है कि यहाँ पर एक भेड़िया जानवर देखा गया है जिसने दो बकरियों को गन्ने में निवाला बनाया, गन्ने के खेत बकरियां चरने गई थी वहां पर निवाला बनाया है। गांव के मनोज ऐसा बताते हैं, जब इंडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि दो बकरियां थी उनको निवाला बनाया, इसके बाद गांव में चीख पुकार की गई जिससे वह जानवर वो जो निवाला बनाया था उनको लेकर के भाग गया। इसी के बाद जो बकरियों को लेकर भागा भेड़ा उसके बाद जो है वन विभाग को सूचना दी गई। लेकिन वन विभाग का जो कहना जो पहले बताया कि वन विभाग का कहना अभी तक कोई पग चिन्ह नहीं मिल पाए हैं जिससे किसी जानवर की पुष्टि हो सके कि वह लकड़बग्घा है या भेड़िया है या कौन सा जंगली जानवर है, अभी तो कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से बिसवा कोतवाली इलाके के लोग जो है वो जंगली जानवर की आमद से डर गए हैं, सहम गए हैं और इस बार जो ग्रामीणों का दावा है वो भीरा गांव में ग्रामीणों ने बताया कि जंगली जानवर जो है वो भेड़िया था और मंगलवार की देर रात या यूं कहें कि 5 नवंबर की देर रात दो बकरियों को उठा ले गया जो घर के बाहर बंधी हुई थी और ग्रामीणों ने देखा तो उसकी भेड़िया होने की का दावा कर रहे हैं ग्रामीण। और इसकी जानकारी जब वन विभाग को हुई तो वन विभाग की टीम देर रात मौके पर पहुंची, कॉम्बिंग शुरू की लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और जब इस मामले में आपको बता दें कि जो वन क्षेत्राधिकारी हैं बिसवा के कमाल अहमद सिद्दीकी उनका ये आई इंडिया की उनसे बात भी हुई, उन्होंने वर्जन जो अपना दिया उन्होंने बताया कि किसी भी जानवर के पगचिन्ह नहीं मिले हैं तो ये कहना मुश्किल होगा कि ये जंगली जानवर
सियार है या भेड़िया है या लकड़बग्गा है। फिलहाल उन्होंने लोगों से अकेले घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है, लगातार अगर खेत की तरफ जाने की भी सलाह उन्होंने दी है तो लाठी डंडे और ग्रुप में जाने की उन्होंने सलाह दी है और कहा है कि देर रात कोशिश करें कि बाहर घरों के ना निकले और बच्चों को भी अकेला ना छोड़े और वन विभाग की लगातार कॉम्बिंग जारी है। तो फिलहाल बिस्वा कोतवाली इलाके के भीरा गांव में एक बार फिर जंगली जानवर की आमद हुई है, दो बकरियों को निशाना बनाया है या यूं कहें निवाला बनाया है, वो उठा ले गया अपने साथ जंगली जानवर और जो ग्रामीण है वो इसे जो है इस जंगली जानवर को भेड़िया होने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि वन विभाग अब इसमें कहां तक सफलता हासिल कर पाता है और लेकिन ग्रामीण फिलहाल डरे सहमे हुए हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अतुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी नजर हमारी। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।